तो नारद जी ने कहा, अरे मारी पानी मृतलोक में एक अचंभा चीज देखा। कहीं वो क्या देखा? कहीं चार औरतें बैठी हुई थी और झूठ थी। अब विष्णु भगवान हंसे, कहते तो असंभव है, चाहे एक अमेरिका की स्त्री हो और चाहे एक इंग्लैंड की, तो नाम बदल बदल करके रहता और उसी नाम से जीवों का कल्याण करता। सचुग में सत्यनारायण नाम था मालिक का, और जब त्रेता आया तो राम नाम आ गया, और जब द्वापर आया तो कृष्ण नाम आ गया। कलयुग में गुरु नाम से जीव का कल्याण हो रहा है। हमारे विद्वान लोग पंडित जी महाराज क्या व्याख्या करते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात्कार ब्रह्म तत्व श्री गुरुवे नमः। गुरु के अलावा और कोई दूसरा पूजने जो नहीं है। गो माने अंतर, रू माने प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश में ला दे उसी का नाम गुरु। कोई दाढ़ी बाल वेशभूषा का नाम गुरु नहीं, दाढ़ी बाल छापा तिलक का नाम गुरु नहीं, वेशभूषा का नाम गुरु नहीं। गुरु उसको कहते हैं जो आपको अंधकार से प्रकाश में ला दे। प्रकाश में लाने का मतलब है कि जिन देवी देवताओं की पूजा हम आप कर रहे हैं ये अंधेरे में कर रहे हैं, और देख करके अगर आप पूजा करते तब आपको लाभ मिलता, और देखने का रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। आपके पास देवी देवताओं को देखने के लिए आशा है, और उसी आग को खोलने के लिए क्रिया क्या बताया है कलयुग के अंदर? सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं परमात्मा के नाम का उच्चारण करना, और उनके स्वरूप को देखने का नाम ध्यान है, और उनकी आवाज को सुनने का नाम भजन है। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब आपकी तीसरी आंख खुलेगी। सबके पास तीसरी आंख है, और सब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सबके अंदर वो आंखें हैं। और जब तक वो आंख खुलेगी नहीं तब तक देवी देवता राम कृष्ण कोई नहीं मिलने वाला। ऐ देशवासियों कान खोल करके सुन लो, उसी राम को खोजने के लिए हमारे बाप दादा आजा परपादा भी अयोध्या में गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या में जाने के लिए हमारे आजा परपादा भी गए, हम भी गए अयोध्या में, न राम मिले न हनुमान मिले। क्यों नहीं मिले? इसका कारण है, महात्माओं ने बताया है कि जिस तरह से संतों ने बताया है उस तरह से अयोध्या गए होते तो राम भी मिल जाते और जितने देवी देवता है वो भी मिल जाते, लेकिन उस तरह से आप गए नहीं। इसका बयान गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में किया कि राम के पास कैसे जाया जाता है। कहा भूकुंड के पास जब गुरु महाराज पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या कहा, क्या राम के बारे में तुमको शंका हो गई? क्या राम को तुमने अयोध्या में गए, भोगलपुर में गए? तो कहा कि नहीं हम गए। अब वहां पर बताया उन्होंने कि राम के बारे में देखने के लिए अयोध्या में जब जाओगे तो वो मिलेंगे आपको, लेकिन जाया कैसे जाता है? आज जैसे गाड़ी बैठ लो हर 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 की है अयोध्या पहुंच जाओ, ऐसे मिल जाइए राम। इस तरह से राम नहीं मिलेंगे, न हनुमान मिलेंगे, और साइकिल से ना ही जाए भाई वो, पैदल ना ही जाए भाई वो, तो कैसे जाने के लिए बताया है अयोध्या? अरे हम गठरी दही के मुझे भैया जो क्या कर, और खिचड़ी भोगी खाए चला घरे, ना राम मिली ना हनुमान मिली। तो अब हुआ क्या? गोस्वामी जी महाराज बता रहे कि मुझे जब भया हूँ अपनी जीत कौशलपुर गया हूँ। दोनों आंख को बंद कीजिए, ध्यान लगाइए आंखों के ऊपर। तो मोही बिलो की राम मुस्काई अभी। जब आप कौशलपुर में पहुंचे, वहां कौशलाधीश बैठे हुए हैं, आपको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो जब राम हंसने लगते हैं तो उन्हीं के मुख से ही ऊपर जाने का रास्ता है। जब तक राम अपना मुख खोलेंगे नहीं आप स्वर्ग में जा ही नहीं। आप लोग प्रसन्न होकर के जब मुख खोल दिए तब क्या बयान कर रहे हैं काकू सुन जी? कि उधर माज सुनी अंडज राया,
चंद्रमा यहाँ प्रकाश दे रहे हैं, कह दो इतना बड़ा प्रकाशमान देश है। जब अंदर में चलोगे तो वहां पर क्या बताते हैं गोस्वामी जी महाराज, कि कोटिन चतुरानन गौरी सा और अगणित उद्गण रवि रजनी सा, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शंकर अनगिनत सुरक्षा सितारे जिस मंडल में प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे मंडल में जब आप पहुंचोगे तो भाग भाग हो अत विचित्र कालों करने का रचना अमित एक देखा एक देख रचना देखने को मिलेगी। अब ये हमारे देवी देवता लोग वाले देवी लोगों से निवेदन ही प्रार्थना है, ये जितना देवी देवता पूजा दे इनके नया नया देवी पैदा हो। अरे पहले दुर्गा माई रहे थी, काली माई रहे थी, संतोषी माई आ गई, अब जो है झटपटा देवी अब आई गई और इनके जो है गुरुबिया माई आई गई, सब माई आई गई, अब दादा को पता नहीं है, सबका माई आई गई दादा को पता नहीं, तो दादा माई आई गई इसकी जानकारी तो करनी चाहिए। महात्मा सारी चीजों का वर्णन करके आपको बताना चाहते हैं। देवियों में मेरा निवेदन कि आप जिस भी देवी देवता को पूजते हो तो अंदर में उनको याद करके, आत्मा चेतन है ये परमात्मा का अंश है, और इसके अंदर बैठ करके जिस भी देवी देवता को आप पूजा करते हैं उससे प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर आप दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, तो कोई शब्द भेजी गुरु मिल जाए और उसी गुरु के द्वारा मेरा, तो संत शब्द भेदी गुरु की तलाश करो, कान फूको वाले गुरु से काम ना हो, कण फूकता गुरु हद का और बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले तो लगे ठिकाना, जब बेहद के गुरु मिल जाएंगे जहां से आप आए वहां पहुंचा। अब ये अगर ऐसा नहीं करो करोगे तो दुर्गा माई बहुत पूजा के हैं नवरात्र में, और उन्हें बना वाला के हुए पत्ता शराबिया मांग को और केकर पर करे खतन आ रही राक्षस राक्षस का राक्षस किसको कहते हैं, अन्न खाए तो मानवा मांस खाए तो स्वा अन्न मांस दोनों बचे आ राक्षस पर, जो अन्न को मांस मिला करके वही राक्षस है, और वो शराब का बोतल ले करके और तब छीनी हथौड़ी लेके मूर्ति बनाओ, मूर्ति माने जो उन्हें जान न हो, मूर्ति बनाते तब कविता ने लिखा कि पत्थर केरी मूर्त बनाई घर छाती पर लात और वह मूर्त में शक्ति हो बनवाइये जय जय पर। अब बताइए हनुमान जी का फोटो बना रहे हैं छीनी हथौड़ी से, तो हमारा जो ताकत हो ना वही पटकते वही साफ हो गया, वो नहीं बना पाते, लेकिन वो है कहाँ, आपके शरीर के अंदर सारे देवी देवता इंद्री द्वार झरो के नाना सहता सुर बैठे कठाना आवत देखे भीतर आरी ते हर दे कपाट उधारी, सारी इंद्रियों के अंदर आपके शरीर के अंदर देवी देवता, ऐसी शरीर के अंदर मालिक ने आपको दे रखा है कि इसी के अंदर उस परमात्मा को तुम प्राप्त करो, यही रास्ता देवी देवताओं के अंदर ना होने के कारण वो बेचारे तरसते इस शरीर को पाने के। अब बताओ तू वन से बढ़ के देवी देवता बढ़ के तुम्हें शरीर मिली बात और तू दुई सीढ़ी नीचे उतर गए, वह तो तरसा तो इन्हें मैं मन शरीर मिल जाए और तू जो उन्हें मन शरीर पाई के नीचे चल जा दो गढ़ा में, तो वह क्या करेंगे, अरे वो पक्का दुश्मन है, तो अगर आप साधना करोगे ना तो आपको फेल करने के लिए इनकी सारी योजना जारी हो जाएगी, तपस्या कुनिया करबो तो इंद्रासन में जो देव लोग में रात के खड़बली मच गई जल्दी एकदम भजन गायब कर, तो अब यह है कि ये सारी चीजें हो तो हम आप इस कलयुग के अंदर नाम का जाप और नाम का जाप करके और अपने घर, देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक मिशन जीव के कल्याण के लिए उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, क्या कहा अंत में जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे इस संदेश को जन जन के कानों तक पहुंचा दो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे, और ये जो है तुमको सब कुछ मिल जाएगा, यहां का भी सुख मिल जाएगा
और अंत में अपने घर, देश की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। तो इतनी सरलता से आपसे भजन कराना चाहता हूं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बड़े बड़े काफिले लेकर के देश के कोने कोने में संदेश दिया था, कहा था सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जा भाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। लेकिन नोटिस भी साथ में लगी हुई है, अगर नहीं समझोगे प्यारे तौबा तौबा करोगे प्यारे, अगर नहीं समझोगे प्यारे तौबा तौबा करोगे प्यारे। बाबा जी तो बता रहे शाकाहारी बना रहे, बाबा जी का एक निशाना अच्छा नया समाज बनाना, अच्छे समाज के निर्माण के लिए जैसा खाओगे अन्न वैसे उपजेगा मन। तो बाबा जी ने कहा कि सब लोग शाकाहारी होगा, और अगर तुमने संत महात्माओं के बारी की अवहेलना किया तो जानते होता क्या है कि साधु क्या कर पल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर संत महात्माओं की बारी की तुमने अवहेलना किया तो भारी भयंकर समय आगे आने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अरे अभी तुमने सूखा नहीं देखा, काम नहीं देखा, महामारी नहीं देखा, भूकंप नहीं देखा, ऐसा भूकंप आने वाला है। अभी देखिए तुर्की में भूकंप आया 4 बजे भोर, उसमें कई लाख आदमी मर गए, तो उससे ज्यादा भयंकर भूकंप आने वाला है। और यहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर के बताया है वैज्ञानिकों ने, ये हिमालय के नीचे की पृथ्वी को जो है वो खिसक रही है। तो अब यह है कि वो आसार दिखाई पड़ रहा है, तो वो 2:10 पर आएगा, और ठंडी के सीजन में आई जब रजाई वो गुरुवार। बाबा जी के संदेश ये जो आपको सुनाए जा रहे हैं ये आप सुन करके और उनकी बारी पर तवज्जो पर ध्यान करो। अगर इसको तुमने नहीं किया तो भारी धोखा होगा आपके साथ में। महात्मा को सबको बताना चाहता, बाबा जी को चाहते बच जाए सब लोग, लेकिन पर दुष्टों ने की नहीं दया कभी उसको। अब यह दया तो ये कर रहे हैं कि आप एक बात मान जाइए तभी तुम्हारे आत्मा का कल्याण कर जन्म मरण के ब्याज से छुटकारा दिला देंगे, नर्क 84 नहीं जाने पाओगे। इतना बड़ा ठीका लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई माई तलाश पैदा नहीं। बाबा जी किसका ठीका लेकर के बैठे हुए हैं, तुम मेरी एक बात मान जाओ तभी मैं वकालत कर लू। कहां वकालत करेंगे? अरे जब जीवात्मा को लेकर के जब डूब जाएंगे तो वहां वकालत करने के लिए तैयार है। आपको बचाना चाहते यार जरूरी रहा। तो अब यह है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी महोदय पूज्य पंकज जी महाराज अपने विशाल काफिले को लेकर के शाकाहार सदाचार मद्य निषेध शोभा यात्रा लेकर के पूरे देश का भ्रमण, आपके बगल में गोरखपुर में ये काफिला पहुंच रहा है उनका 26 तारीख को हमारे जिले का एक गोद मिला हुआ है जिला, उस जिले में आपके प्रेमियों को वहां जाना है, प्रचार करना है और वहां की सारी व्यवस्था करनी है, कार्यक्रम करवाना है, उसे प्रचार करना, होल्डिंग लगाना, पैनल लगाना, भंडारा चलाना, ये सब काम आता है। तो उसके लिए सेवादारों की जरूरत है, सबका देखो। अरे प्रेमियों आप लोग चलिए थोड़ा सेवा कर लीजिए, शारीरिक सेवा पीछे लगाओ, शरीर की सेवा, वाणी की सेवा करके मैंने तन मन धन की सेवा जब उसमें लगेगी तब उसमें निखार आएगा। तो चलिए सेवा कर लीजिए, तो भंडारा तो पहले जाएगा, 18 तारीख को जाएगा यहाँ का भंडारा और वहां का भंडारा, तो 13 तारीख को जा रहा है मथुरा का भंडारा है, अब उधर का भी भंडारा देखना है, इधर का भी भंडारा देखना। महात्मा बिल्कुल कसौटी पर रखे हुए, आपका ध्यान कभी इधर से उधर होने ना पाए, हर वक्त कार्यक्रम में लगा रहे। अब इसका अगर संत महात्माओं की वाणी की अवहेलना हुई तो क्या बताया महात्मा ने कि साधु वह क्या कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। ये दूध करके चल जाएगा,
अगर संत महात्माओं की बाणी की अवहेलना हो तो अब देखिए हम भोले जी महाराज की पूजा करें खतर भैया कितना गेड़ी और ठकुर भाई अक्षर बेलपत्र लेकर के उन्हें नहवाव अब बताओ कितनो नहवाओ उन्हें कितनो खुद करो लेकिन कहा अपन ड्यूटी छोड़ दे वह उनके ड्यूटी हुए मारे वह ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना विष्णु का काम है पालन करना और शंकर जी के काम हो मारे वाला तो भोले जी महाराज को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया है काशी के लिए गंगा देवी और भोले जी महाराज अपना त्रिशूल लेकर के देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं अब पूरे विश्व में हर सब मचा हुआ है कहीं साथी ढूंढे नहीं मिल रही है कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है हरिश की नदी हर तरफ बह रही है हरिश की नदी हर तरफ बह रही है और एक छीन नाता दूसरों का हर एक छीन नाता है दूसरों का निज दुर्गुणों पर नजर जा रही है विदेश के लोग भाग करके आते हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में शांति पाने के लिए दौड़ लगाते हैं तीर्थों में जाते हैं लेकिन कहां मिलेगी शांति शांति की जगह कहां तब महात्माओं ने बताया कि सत्संग में सुख साथी भरो है और जीवन का परमार्थ धरो है जीवन का परमार्थ सत्संग में मिलता है सत्संग में जब जाओगे तो शांति की जगह वही है तब आपको पता चलेगा असलियत क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है तो अब इसके बारे में पूर्ण जानकारी जब हो जाएगी तो अच्छे बुरे का निराकरण करने की क्षमता आ जाएगी ये अच्छा है बुरा है तो बाबा जी ने कहा सब लोग शाकाहारी हो जाइए और बम्भोले जी महाराज जब जगे एक भविष्यवाणी काशी जी की गंगा जी में शिखर हुआ था आप लोग उसको सुन लीजिए और भारत के नौजवानों को सबको ये आवाज किया है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कि भारत के वीरों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने वो देवियां और पुरुषों को सबको बता रहे हैं देश के अंदर जब नौजवान जगता है ना तो देश के अंदर परिवर्तन आ जाता है लेकिन आज हमारे देश के नौजवानों को किसने बर्बाद किया किसने बर्बाद किया अरे एक शराब की बोतल ने इनको बर्बाद किया और बर्बाद करने के बाद जब नौजवानों की शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग नहीं होगा तो बेकार होगा देश कभी पनप नहीं सकता जागो जागो दुनिया वालों सतयुग आने वाला है जागो जागो दुनिया वालों सतयुग आने वाला है डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है नेत्र तेसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही मच जाएगा घुमर घुमर घंटे और घटाएं अंगारे बरसाएंगे
उमड़ घुमड़ घनघोर घटाए अंगारे बरसाएंगे। दावा नल के साथ साथ अति बात भयंकर लाएंगे। टक 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 डगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से। दिग दिगंत कप कपा उठेंगे भोले के ओंकारों से। राख बनेंगे महानगर तब एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध जंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी अंबर तक पट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबे इस धरती पर धर्म ध्वजा लहराएगा। इस पावन धरती के ऊपर स्वर्ग उतर कर आएगा। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों सतयुग आने वाला है। अलग बैठा तो यह है।
आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग शाकाहारी रहे और ये काफिला जो चल रहा है उसमें सभी प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि सब लोग उसमें आर्थिक सेवा का अपना योगदान कर दें। काफिले की सेवा भंडारे के लिए अनाज आप लोगों के पास तो गया ही, लेकिन यह है हमारे प्रेमी लोग चीज हुए भी है जो मारी दी है वह उनका डी गई है। अब बताओ तो अरे सरसों नहीं घर, अरे भाई चना मटर नहीं घर भाई सरसोई नहीं घर भंडारा करता है तो उसमें जो है आपका उस सेवा लग जाएगा, वो खरीदना पड़ेगा और आप सोचता दाना दाना रास होता है प्रेमियों की सेवा से कितना बड़ा काम होगा। लेकिन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कंजूसी इस तरह से ना किया करें, इसीलिए बरकत भी हमारे आपके पास कम हो जाती है। देना तो वो चाहता है लेकिन हम लेने लायक नहीं बन पाते। अब आटा चाउर दे दियो कि खा भाई आटे चाउर खा लो, सारी चीजें तो कहीं नहीं मिलेगी। तो अब ये बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, आप सभी हमारी कर सकते हैं। अरे भाई सब मस्त है, करूं मैं तो कर जोरी सतगुरु द्वार तुम्हारे बिन गृत दीप आरती साजो दो अखियन मझदारे बाव सहित नित बैठी झरोखे जो अत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनहु वन ही अपने मन के काज बिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत होए न्यारे घंटा शंख मृदंग सरंगे बांसे बेन सुनारे जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जय कारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे कुआता द्वार तुम्हारे कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव अनाम चरण कमल विसरो नहीं।